thank you दोस्तों मैं हूं हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेंस बाबा के ऊपर में और आज का टॉपिक क्या है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम स्कीम जी हाँ दोस्तों सीरीज चल रही है जैसा कि आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर जाइए स्क्रीम सीरीज मैंने बहुत सारी स्कीम्स कवर की है तो जाइए उनको देखिए और लास्ट में आई बटन के पास आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा तो अभी आप निश्चिंत होकर पहले ये देखिए कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट क्या होता है पर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना को कर देना। जिन्होंने कर दिया है, बहुत बहुत जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे स्कीम पूछे जाते हैं तो आपका स्वागत है तो आइए देखते हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट क्या है ठीक है तो हम लोग इसको क्यों पढ़ना है क्योंकि ये जीएस पेपर टू एंड थ्री से रिलेटेड रहेगा

जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट में अभी एक न्यू इनिशिएटिव ले लिया गया है जो नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है अब नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया इसका मतलब क्या है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ठीक है जेड स्कीम में क्या है एक तरह का ये विजन प्र, विजन है क्या है विजन है एक तरह का सोच है प्र, जो प्रमोट करेगा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अमंग एम यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जी हाँ दोस्तों माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर में एंड जेड असेसमेंट फॉर देयर सर्टिफिकेशन अब सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि किसी मापदंड के ऊपर में आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा तो, क्या चीज का जेड का तो देखिए क्या है अगर स्कीम की बात करें तो दो में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ठीक है ये जो स्कीम है ये एक इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्टिफिकेशन सिस्टम है सर्टिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है सर्टिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है

फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपकी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्सेज कितने सारे हैं यानी है? एक तरह का एम्प्लॉयमेंट समझ लो टेक्नोलॉजी डेप्थ कितना है आपके इंक्लूडिंग डिजाइनिंग आईपीआर और बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के बीच में यानी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के बीच में टेक्नोलॉजी का जो डेप्थ है वो कितना है ठीक है इस मापदंड के ऊपर में आपको क्या दिया जाएगा जेड का सर्टिफिकेशन दिया होगा अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन नीचे है दबाते हुए जाना जाओ सब जाओ मत रहो लाइक का बटन दबा दो सब्सक्राइब का बटन दबा दो चलो आगे देखते क्या है मिशन क्या है एक्चुअली इसकीम का मिशन क्या है कि हम डेवलप करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं डेवलप करना चाहते हैं इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जेड कल्चर इन इन इंडिया इंडिया को जेड जेड कल्चर कल्चर जो है किस प्रिंसिपल बेस्ड है है जीरो जीरो डिफेक्ट एंड इफेक्ट ठीक भाई ये तो पता चल गया कि इसका मिशन है कि हम डेवलप करना चाहते हैं इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जेड कल्चर को इंडिया में तो प्रिंसिपल कौन कौन सा बेस्ट है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट ध्यान से देखो जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट यानी जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट कुछ तो होगा क्या है नहीं है बताता हूं मैं देखो जीरो डिफेक्ट क्या है जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि ये का पे. अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो डिफेक्टिव निकले तो उसे का क्या होगा, होगा. ठीक uh, है जीरो वेस्टेज जी हाँ दोस्तों कुछ भी प्रोडक्ट अगर गलत बनाते हो तो उससे क्या होगा वेस्टेज भी हो सकता है ठीक है उसका इफेक्ट अब आप जीरो डिफेक्ट करते हो और जीरो इफेक्ट आप कुछ ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो जिससे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है ठीक है या फिर लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है या सॉलिड वेस्ट हो रहा है तो उसके इफेक्ट को भी कंट्रोल करना इस, इस उद्दे, इसका उद्देश्य है और इसके अरे अवेयर करना आज हमारा देखो आज इंडिया में क्या है एमएसएमई एक बहुत बड़ा हब है अगर उस पर अगर उसको अच्छी तरीके से रेगुलेट नहीं करें फ्यूचर विजन के हिसाब से काम ना करें तो क्या होगा क्या ये जो हब है क्या ये बढ़ेगा घटेगा इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन रखूंगा मेन्स का ठीक है लास्ट में देखो उसके जीरो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोडक्शन करने में अगर आप कुछ भी ऐसा अगर मतलब मान के चलो सामान ही बर्बाद किए ठीक है थीके? कुछ भी प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा वेस्टेज वेस्टेज किए सामान बनाने में तो क्या हो? आप एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का बर्बाद ही किए उसका इफेक्ट क्या होगा ऑटोमेटिकली है कि नेचर पे आएगा ठीक है तो उससे बचाने के लिए यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यही इसका उद्देश्य है ठीक है ऑब्जेक्टिव्स देखते थे कि ऑब्जेक्टिव्स की किस की बात क्या क्या है थोड़ा डिटेल में इसको कवर करते हैं तो डेवलप करना एक, 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 एक एको सिस्टम इको सिस्टम क्या क्या जी है जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन एम एस एम ई जो भी मैन्युफैक्चर करें उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो प्रमोट करना एडोप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ टूल्स एंड सिस्टम एंड एनर्जी इफिशेंट मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करते हो जिसमें एनर्जी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है तो उसको एनर्जी इफिशियट बनाना एमएसएमई में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट उसको एनहांस करना अगर आप एडोप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ टूल्स यानी अच्छे मशीन्स टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट वो एनहांस होगा ऑटोमेटिकली ठीक है इंक्रेज करना एमएसएमई को कंसिस्टेंटली अपग्रेडेशन uh, जो MSME को इंकरेज करना कि आप उस अपग्रेड करते रहो अपग्रेड करते रहो यानी किस चीज पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जी हाँ दोस्तों क्वालिटी स्टैंडर्ड मतलब आज आप जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके स्टैंडर्ड को हमेशा बढ़ाने की कोशिश कीजिए ठीक है उससे क्या होगा अगर ऑलमोस्ट आप क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज करते हो तो उससे क्या बढ़ता है क्वालिटी और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है आदमी का ठीक है डेवलप करना प्रोफेशनल्स का प्रोफेशनल मतलब जो एरिया है जेड मैनुफैक्चरिंग के अंदर में और सर्टिफिकेशन देते हैं उनको प्रोफेशनली डेवलप करना प्रोफेशनली मतलब डेवलप करना मतलब है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना या फिर उनको एक तरह का मतलब कोई भी कोर्स प्रोवाइड करना जैसे स्किल इंडिया मिशन चल रहा है उस उसको प्रमोट करना ठीक है ये सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया कैंपेन को मेक इन इंडिया जी हाँ दोस्तों हम लोग आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत याद रखिएगा ये सब चीज जरूर कॉपी में मेंशन की जाए मेक इन इंडिया इंडिया में बनाने की बात कर रहे हैं ठीक है स्वदेशी अपनाओ ठीक है

अब ये देखो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसको किसकोट करिए इंप्लीमेंट करने के लिए दैट इज नेशनल मॉनिटरिंग ऑफ एंड इंप्लीमेंटिंग यूनिट को को अपॉइंट कर कर रही है ताकि वो इंप्लीमेंट सके जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एट एटीन सिक्सटी के अंदर में ठीक है याद रखिएगा ये एक्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ लीजिएगा अगर बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल ले लूंगा

तो एक तरह का जीरो डिफेक्ट जीरो इसके पहले क्वेश्चन पर मैं बाद में आता हूं पहले मैं रिकैप कर देता हूं सब चीज तुम तो लोग ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम ठीक है जीएस पेपर एंड जीएसपी से रहेगा इंपॉर्टेंट है ठीक है है कॉन्टेस्ट की बात कर लिया लिया कि इसमें एक न्यू इनिशिएटिव गया है, सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेशन का इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यानी ये सेंट्रल स्कीम है स्कीम की बात करें तो दो हज़ार सोलह में लॉन्च किया गया था ये एक सर्टिफिकेशन देगा किसके मापदंड के ऊपर में प्रोडक्टिविटी क्वालिटी पॉल्यूशन माइग्रेशन के ऊपर में या फिर एनर्जी इफिशियंसी मामले में फाइनेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा ठीक है इसका उद्देश्य क्या है कि हम जेड कल्चर को प्रमोट करें इंडिया में जीरो डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट जो मिल फोकस कर रहा है वो कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर में यानी यानी प्रोडक्ट कस्टमर के ऊपर में प्रोडक्ट एज अ कस्टमर मत लेना मतलब कस्टमर एज अ प्रोडक्ट मत लेना यानी प्रोडक्ट अगर अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर पर फोकस हो रहा है क्योंकि अंत में उसका जो उपभोक्ता है वो कौन है कस्टमर ही है ना ठीक है चलो इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि उस प्रोडक्शन करने से कुछ जो इफेक्ट आ रहा है नेचर में जैसे एयर पोल्यूशन सब सबको भी ठीक करना ठीक है Objectives क्या है एक तैयार करना जिससे जीरो डिफेक्ट एमएसएमई में आ, काम हो सके टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना एक लो एमएसएमई उनका अपग्रेडेशन करना मेक इन इंडिया को प्रमोट करना क्वालिटी ऑफ टूल्स अपनाना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चेंज करना इंप्लीमेशन एजेंसी कौन कौन सी होने वाली है इम्प्लीमेशन एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी किसको

हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बढ़ाएंगे आज आप क्यों प्रोडक्ट यूज कर रहे हो बेटा देखो कोई भी प्रोडक्ट तुम आज यूज कर रहे हो चाहे वो बाहर की कोई प्रोडक्ट हो जैसे तुम फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो जो बाहर से बन गया है तुमको उसका सब्सिट्यूट नहीं मिल रहा है इंडिया में सच यही है सब्सिट्यूट नहीं मिला इसलिए तुम यूज करो अगर तुमको ऐसा अच्छा सब्सिट्यूट मिला जैसा वो काम हो रहा है क्या वैसा इंडिया में काम होने वाला लैपटॉप मिलेगा तो तुम क्या परचेस करोगे नहीं करोगे एक भारतीय कभी परचेस नहीं करेगा बोलेगा नहीं मैं अपने देश का ही सामान खरीदूंगा उस चीज में अगर हम सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा समझ रहे हो चीजों को कनेक्ट करो बेटा तब आएगा क्लियर अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक like तो बिल्कुल करना यार एक लाइक like से कुछ नहीं होगा एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा तुम्हारा ठीक है और मैं इसी की तरह योजना सीरीज चल रही है आई बटन के पास लिंक दिख रहा है जाकर देखो स्पेशल क्लास ले रहा हूं पीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन डाल रहा हूं मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन डाल रहा हूं प्लीज आके क्वेश्चंस को सॉल्व करो आंसर राइटिंग करो ताकि तुम्हारा जल्दी से जल्दी कोई भी एग्जाम क्लियर हो सके ठीक है स्पेशली यूपीएसपेक्ट से मैं पढ़ाता हूँ बाकी और भी सब्जेक्ट्स में जैसे स्कीम्स वगैरह तो आजकल कॉमन हो चुका है हर एग्जाम के लिए तो वो भी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो और बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय भारत